नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरुण और मैं आपको स्वागत करता हूं हमारे चैनल एपी फिल्म रिव्यू पर, जहां पर हम फिल्मी अपडेट्स देने के साथ यूट्यूब कम्युनिटी के भी अपडेट्स देते हैं। अगर आप हैं मूवी और यूट्यूब लवर तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, आज का सबसे पहला अपडेट है हॉलीवुड इंडस्ट्री से। हॉलीवुड के सबसे हैंडसम सुपरस्टार हेनरी कैविल, जिन्हें हम सुपरमैन के नाम से बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने हाल ही में डायरेक्टर जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को HBO मैक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने पर अपना स्टेटमेंट फैंस के साथ शेयर किया है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में स्नाइडर कट को लेकर कहा कि वो बहुत ही खुश है इस बात को सुनकर। स्नाइडर कट को लेकर पिछले 3 साल से फैंस जो जंग लड़ रहे थे, उन्होंने आखिर में जीत हासिल किया। उन्होंने ये भी कहा कि जैक स्नाइडर की जिंदगी में एक बहुत ही बुरा वक्त आया था, इसलिए उन्हें जस्टिस लीग मूवी को आधे में ही छोड़ना पड़ा, लेकिन 3 साल तक उन्होंने फैंस के साथ ये जंग लड़ा और मैं बहुत ही खुश हूँ कि जैक स्नाइडर को उनका सपना सच करने का मौका मिला। दोस्तों, अगला अपडेट है बॉलीवुड से। दोस्तों, अजय देवगन सर ने हमारे भारतीय सेना के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके ऊपर एक फिल्म बनाने का ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन सर ने इसे ऑफिशियली कंफर्म किया है कि हाल ही में गलवान घाटी में हमारे 20 वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके ऊपर एक फिल्म बनाएंगे। दोस्तों, अजय देवगन सर की इस एक फैसले को मेरा दिल से सल्यूट है। दोस्तों, अगला अपडेट है हॉलीवुड की अपकमिंग बिग बजट मूवी टेनेट को लेकर। तो फाइनली टेनेट फिल्म के नई हिंदी ट्रेलर के साथ तमिल और तेलुगु की भी नई ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है। हालांकि अब तक ये पता नहीं है कि ये मूवी इंडिया में कब रिलीज होगी, लेकिन अमेरिका में टेनेट मूवी अगस्त 12 को रिलीज होगी। लेकिन इंडिया का कुछ कह नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि COVID-19 के पैंडेमिक से अभी इंडिया में सिचुएशन थोड़ी खराब है। दोस्तों, मैंने टेनेट मूवी के नई हिंदी, तमिल और तेलुगु ट्रेलर के लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, अगला अपडेट है साउथ इंडस्ट्री से। तो तेलुगु सिनेमा के यंग जनरेशन के सुपरस्टार महेश बाबू ने ट्विटर पे एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड हासिल किया है। महेश बाबू ने अपने ट्विटर अकाउंट में 10 मिलियन फॉलोअर्स अचीव कर लिया है। 10 मिलियन फॉलोअर्स अचीव करने के बाद महेश बाबू ने अपने फैंस को शुक्रिया कहते हुए अपने ट्विटर हैंडल पे एक 10 मिलियन का पोस्टर शेयर किया है। दोस्तों, अगला अपडेट है यूट्यूब सुपरस्टार भुवन बाम को लेकर। तो फाइनली भुवन बाम ने अपने चैनल पर एक रोस्ट वीडियो को अपलोड किया है। ये वीडियो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़बरदस्त लगा। मैंने इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप चाहें तो इसे आराम से देख सकते हैं। दोस्तों, अगला अपडेट है पैन इंडिया सुपरस्टार अल्लू अर्जुन से। तो अल्लू अर्जुन सर की इस साल रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म अल्ला वैकुंठ पुरमलो की फेमस सॉन्ग बुट्टा बोम्मा ने यूट्यूब पे 250 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर चुका है। इससे पहले भी बुट्टा बोम्मा सॉन्ग ने ग्लोबली यूट्यूब के बाहर कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे। दोस्तों, अगला अपडेट है बॉलीवुड से। तो फाइनली अजय देवगन ने अपने अपकमिंग फिल्म मैदान के रिलीज डेट को कन्फर्म कर दिया है, जहाँ पर यह फिल्म पहले इसी साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड के चलते इस फिल्म को अगले साल यानी 2021 अगस्त 13 को रिलीज किया जाएगा। मैदान मूवी को हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, अगला अपडेट है विद्या बालन की अपकमिंग फिल्म शकुंतला देवी को लेकर। तो फाइनली शकुंतला देवी मूवी को 31 जुलाई को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, आज का लास्ट अपडेट है यूट्यूब सुपरस्टार एल्विश यादव को लेकर। एल्विश यादव ने अपने दूसरे चैनल एल्विश यादव ब्लॉग्स में बॉलीवुड को लेकर एक वीडियो 2 दिन पहले अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने साफ तरीके से बॉलीवुड का काला चेहरा अपने इस वीडियो में अच्छी तरह से दिखा दिया। इस वीडियो में एल्विश यादव ने बहुत सारे बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को पोल खोलने के बाद सलमान खान की भी अच्छी तरह से पोल खोल दिया और ये वीडियो अभी यूट्यूब पे धीरे धीरे वायरल हो गया। लेकिन एल्विश ने जब अपने वीडियो पे सलमान खान का काला चेहरा सबके सामने खोला, तो इस चीज़ को देखते हुए सलमान खान के फैंस एल्विश को ट्विटर और इंस्टाग्राम पे बहुत सारा गाली दिया। इवन सलमान खान के एक फैन ने भी एल्विश के ऊपर पुलिस केस भी चार्ज कर दिया। जब इतना ड्रामा चला तो एल्विश ने इंस्टाग्राम के एक स्टोरी पे उन सलमान खान के फैंस को रिप्लाई दिया जिन्होंने उनको गाली दिया था। आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। भाई तुम मानोगे नहीं, मेरे पे इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, एल्विश भाई तुम थोड़ा संभल के रहना, थोड़ा बच के रहना, तुम्हें सलमान खान के ऊपर वीडियो बनाई। देखो, वीडियो तो बिल्कुल सही बनाई है, अगर किसी क्रिमिनल को क्रिमिनल कह दिया फैन, हम तो पीछे हटते नहीं। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि फैन क्लब के बारे में। इनता मैं इतने मजे ले रहा हूँ सुबह तक, ये गाड़ी बक रहे हैं, वो कर रहे हैं, लोड़ा लसन, बहुत सारी चीज़ बकचोदी कर रहे हैं, मेरा असर नहीं पड़ रहा पहली बात। दूसरी बात, तो ये वे ना बालक रहे हैं 13-13 साल के, 14-14 साल के गांडू बालक, छोटे छोटे जिनने एक तो फोटो भी खुद की नहीं लगा रखी इनने। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ऑनलाइन बकवास कर लेने तो कोई बात नहीं, वे बालक रहे हैं। अगर इनके सामने आगा ना तो गांड फटती डोलेगी, और दो रैपट लग गए ना तो मम्मी ने बुला के लिया होगा, मम्मी का होगा हमारे साथ। ट्विटर में टैग कर रहे हैं मुंबई पुलिस को और साइबर ब्रांच ना पता किन किन को टैग कर रहा है। अरे मोदी जी को भी टैग कर दो यार, मोदी जी तो हमारी टीम में है, बैंड पे बाल पाड़ लो। बक चोदी अपने साढ़े अपने पढ़ाई लिखाई करो, लॉकडाउन हो रहा है इसका मतलब थोड़ी है ऑनलाइन।
देखो अभी तुमने लास्ट स्टोरी देखी, इसमें डीपी लगा रखी छोरी की, मैसेज कर रहा छोरा। देखो मैं तुम्हें दो तीन चीज बताऊंगा। पहली चीज तो ये कि भाई अपनी, पहले तो तुम बहन से छोरा बनो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अपनी रियल आईडी से मैसेज करो। तीसरी बात ये है, तीसरी बात कुछ है नहीं, गांड तोड़ दूंगा, चौधरी करते फिरोगे। अरे ऐसा करोगे ना, साढ़े दो चार वीडियो और बना दूँ, बहन जो दुनिया भर का सामान ले रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, भर भर गए, गांड फट जाएगी। दोस्तों मैं आपको एल्विस के ये वीडियो देखने के लिए हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप ये वीडियो एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि एल्विस ने बॉलीवुड का काला चेहरा बहुत ही अच्छी तरीके से खोल दिया है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एल्विस के वीडियो के लिंक दे दिया है, आप चाहे तो इसे आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कर देना, अगर ज़्यादा पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन में जाकर ऑल पे क्लिक कर देना। इससे ये होगा कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।